दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा और हो सकता है आपको 10,000 का जुर्माना भी भरना पड़े। तो आइए बताते हैं अपने पैन कार्ड को आधार के साथ कैसे लिंक करें। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट ई फिलिंग पर आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में लिंक आधार पर क्लिक करना है और यहाँ अपना पैन नंबर और नीचे अपना आधार नंबर भरें। इसके बाद यहाँ आधार पर छपे नाम टाइप करना है। अगर आपके आधार कार्ड पर ईयर ऑफ बर्थ है तो इस पर चेक करें और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट लिखा हुआ है तो फिर यूं ही रहने दें। अब यहाँ आई एग्री वाले बॉक्स को चेक करें और नीचे लिखे कैप्चा को फिल करें। उसके बाद फाइनली लिंक आधार पर क्लिक करें और इसके बाद आपका रिक्वेस्ट आधार डिपार्टमेंट को लिंक करने के लिए भेज दिया जाता है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए फिर आप बैक जाएं और फिर उसी तरह लिंक आधार पर क्लिक करें। अब यहाँ क्लिक करें, अपना पैन नंबर और फिर आधार नंबर भरें। इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपका पैन आधार के साथ लिंक हो गया है। दोस्तों यदि आपके पैन और आधार में नाम सेम नहीं है तो लिंक नहीं होगा। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले।